जो सोएगा वो खोएगा। तो ये कहावत तो दोस्तों आपने सुनी होगी, पर इस बार मैं इसको पूरा चेंज करने वाला हूँ। यस, इस वीडियो में मैं आपको एक स्लीपिंग इंटर्नशिप के बारे में बताने वाला हूँ कि आप सो के भी पैसे कमा सकते हो। यस, डेफिनेटली, और ये 100% रियल है, आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट से भी। और इस टाइप के इंटर्नशिप का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो दोस्तों नया नहीं है। जापान, चाइना जैसी इंडस्ट्री ऑलरेडी इस टाइप की इंटर्नशिप चलती आ रही है, पर इंडिया में ये अभी ज्यादा पॉपुलर हुई है और इसका सीजन सेकंड है। यस, तो पिछले साल 2020 के अंदर भी इंटर्नशिप हुई थी और 23 विनर्स इसके अंदर रहे थे, तो उसकी भी पूरी अपडेट आपको मैं इसी वीडियो में देने वाला हूँ। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि आपको पर्टिकुलर इंटर्नशिप को अप्लाई कैसे करना है, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या इसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप इसको अप्लाई करते हो तो आपके सिलेक्शन होने के चांस हम किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। तो कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगा जो 2020 के विनर्स रहे हैं उनके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अगर आप उन सब चीज़ों को अपने माइंड में कंसिडर करोगे तो आपके सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सो वेलकम बैक टू JVR जॉब वैकेंसी रिजल्ट चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं सचिन चौहान आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक स्पेशल इंटर्नशिप की अपडेट। तो दोस्तों इंटर्नशिप का टाइटल है आपका स्लीप इंटर्न। यस, काफ़ी ज़्यादा स्पेशल सा लगता है ना स्लीप इंटर्न। अगर इस कंपनी की बात करूँ तो यह है वेकफिट, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर कंपनी है। बेसिकली ये कंपनी जो है मैट्रिक्स वगैरह बनाती है, पिलो बनाते हो, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के ये पिलोज और मैट्रिक्स बनाती है। तो इसके शॉर्ट ऑफ प्रमोशन के लिए, अपनी क्वालिटी को चेक करने के लिए इन्होंने ये इंटर्नशिप ऑर्गेनाइज करी है। अगर यहाँ पे मैं स्टाइपेंड या सैलरी की बात करूँ तो जो भी कैंडिडेट इस इंटर्नशिप में शॉर्टलिस्टेड होगा उसको 3 मंथ्स के लिए 1 लाख रुपए पे किया जाएगा, और जो शॉर्टलिस्टेड होने के बाद विनर रहेगा एक पर्सन को 10 लाख रुपए मिलेंगे। यस, 10 लाख रुपीज इन जस्ट 3 मंथ्स, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 9 घंटे सोना है। काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग लग रहा है, बहुतों को फेक भी लग रहा होगा, बहुतों को लग रहा होगा अगर ओरिजिनल है भी तो सिलेक्शन होना इसमें बहुत डिफिकल्ट है। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, सिलेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट तो रहेगा क्योंकि एक अच्छा अमाउंट आपको पे कर रहे हैं, पर अगर आप स्मार्टली वर्क करेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो सकता है। और स्मार्टली वर्क क्या करना है मैं इसी वीडियो में आपको यहाँ पर जरूर बताऊँगा। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ लोकेशन की तो वर्क फ्रॉम होम है। यस, आपको अपने घर पे ही सोना है, ऐसा भी नहीं है कि इनके ऑफिस जाना है, इनके शोरूम पे जाना है, नहीं, आपको अपने घर पे सोना है। 9 आवर्स इन ए डे आपको सोना है। वेकफिट की टीम आपके घर पे आएगी, आपको मैट्रिक्स देगी, मतलब आपका गद्दा देगी जिसपे आपको सोना है। साथ में आपको कुछ इक्विपमेंट्स भी मिलेंगे जो कि जिससे आपकी वो स्लीपिंग नाइट्स को, मतलब जितने घंटे आप सो रहे हो उनको कंसिडर कर सके, वो देख सके कि आप कितने अच्छे से सोए हो। तो यहाँ पे इनके कुछ मतलब गैजेट्स आप कह सकते हो जो आपको ट्रैक करेंगे, वो आपकी नींद की इंटेंसिटी को ट्रैक करेंगे, आपकी हार्ट बीट हो गई, आपकी रेस्पिरेशन सिस्टम हो गया, मतलब इस सब चीज़ों को ट्रैक करेंगे। ऐसा इतना कुछ यहाँ झमेला नहीं रहेगा, बहुत सिंपल सा पार्ट रहेगा। साथ में एक उनका ऐप रहेगा जो ट्रैकिंग डिवाइस की सारी अपडेट आपको देता रहेगा। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, पर ये सब चीज़ें बाद में कंसीडर होंगी। पहली मेन चीज़ है कि आपको सिलेक्ट कैसे होना है। तो सिलेक्शन से पहले आपको पता होनी चाहिए क्वालिफिकेशन। तो मैं क्वालिफिकेशन सिंपल आपको बता देता हूँ यहाँ पे। आप इंडिया में किसी भी जगह से बिलोंग करते हो और आपने कोई सी डिग्री कंप्लीट करी हो, आप इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप को अप्लाई कर सकते हैं। कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन है ही नहीं यहाँ पे। आपको इस इंटर्नशिप के लिए थोड़ा क्रिएटिव माइंड होना पड़ेगा, वो चीज़ हम आगे डिस्कस करते हैं। तो अब यहाँ पे अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो इन्होंने 2 क्वालिफिकेशन अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे बताई हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन ना हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है। तो जो यहाँ पे लिखा गया आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं इस चीज़ को आपको डिलीवर करूँ तो सिंपल सी बात है, आप अपने सोने के लिए, अपनी नींद के लिए कितना ज़्यादा पैशनेट हो, आप किस किस कंडीशन में सो सकते हो, आप किस लोकेशन में सो सकते हो, आप कितना जल्दी सो सकते हो, आप कितना डीपली सो सकते हो, तो सोने से रिलेटेड जो भी आसपास चीज़ें रहती हैं वो सब इस क्वालिफिकेशन का पार्ट रहेंगी। मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ आपको, एक दो एग्जांपल देके। फॉर एग्जांपल आपकी कोई मीटिंग हो रही है, मीटिंग वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो रही है, तो आप उस मीटिंग में कितनी जल्दी सो गए, Within 2 minutes, within 5 minutes मीटिंग जिस स्टार्ट हुई आप सो गए, लंच ब्रेक से सब पर्सन आए आप सो चुके थे, तो इस तरीके से आप कितनी जल्दी सोते हो। तो सोना यहाँ पे आपको एक क्रिएटिविटी में शो करना है। किस टाइप की क्रिएटिविटी होगी अब उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ 2020 में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो इन्होंने सेलेक्ट करे थे वो थे 23। यस, 23 कैंडिडेट वहाँ पे टोटल सेलेक्ट हुए थे जिनको इस इंटर्नशिप में 1 लाख रुपए ईच मिला था।
टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट थे 1,70,000। अब आप सोच सकते हो 1,70,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं और जस्ट 23 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो सिलेक्शन परसेंटेज है वो कितनी है। तो इस सिलेक्शन परसेंटेज में आपका नाम हो, चूंकि आपको एक सिंगल सीट चाहिए, तो आप क्या चीज इंक्लूड कर सकते हो। हम यहाँ पे कुछ जो पुराने 2020 के विनर्स थे ना उनके कमेंट देखते हैं और किसी एक पर्सन की यहाँ पे हम इंटरव्यू देखते हैं। तो इन सब के कमेंट से और इनके इंटरव्यू से ना हमें बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा कि हम किस तरीके से अपने आंसर के अंदर ये चीजें इंक्लूड कर सकते हैं जिससे हमारे इंटर्नशिप में हम सिलेक्ट हो जाए। कहते हैं ना अगर आप विनर्स के साथ बैठोगे तो आपकी जो मेंटेलिटी है वो विनर्स जैसी ही रहेगी। तो यहाँ पे मैं कुछ कमेंट्स ले लेता हूँ, उनको आप देख सकते हो स्क्रीन पे वो लिखे आ रहे हो। मैं यहाँ पे आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि उनका यूएसपी क्या था। यूएसपी होता है यूनिक सेलिंग प्राइस, की किस तरीके से उन्होंने अपनी आइडियाज को कंपनी को बेचा या कंपनी को दिया, जो आइडियाज देख के कंपनी ने उन्हें सिलेक्ट किया। तो हम यहाँ पे पहला कमेंट पढ़ते हैं भट्टाचार्य का। तो यहाँ पे ये मैडम लिखती है जिसे डिजिटल मार्केटर, वो डिजिटल मार्केटिंग एंड नोएडा से बिलोंग करती हैं, और वो बताती हैं कि वो अपना जो काम है बड़े अच्छे पैशनेट तरीके से करती हैं, पर वो बीच में सो जाती हैं, जो होते हैं ना नैप ले लेते हैं, तो जिससे उनके बाद जो वो काम करती है वो और पैशनेटली करती है, मतलब उनका जो नींद है वो एक तरीके से उनको बूस्ट करती है उनके वर्क में। तो ये पॉजिटिविटी दिखाता है और दिखाता है कि वो कितना फ्रिक्वेंटली किसी भी कंडीशन पे किसी भी जगह आराम से सो जाती हैं। तो आप देख रहे हो एक यूनिकनेस इन्होंने जोड़ी हुई है, लिविंग लाइफ वन डे एट अ टाइम। तो इससे बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहा है कि कितना सिंपल से आंसर दिया और कितनी क्रिएटिविटी को इन्होंने अपने आंसर में इंक्लूड कर दिया। तो आप देख रहे हो किस तरीके से अपने आंसर के अंदर ये स्लीपिंग से रिलेटेड क्रिएटिविटी को एड ऑन कर रहे हैं। हम एक और यहाँ पे कमेंट देखते हैं, आपको और आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट कैंडिडेट थी 2020 की जो शॉर्टलिस्टेड हुई थी, समय बंगाली है, बंगाल से वो बिलोंग करती है, पर राइट नाउ वो बेंगलुरु के अंदर जॉब कर रही है, फ्लिपकार्ट के अंदर पीआर है। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि इनकी जो हॉबी है वो ट्रैवलिंग है और साथ में स्लीपिंग भी है, और इन्होंने इस चीज़ को किस तरीके से कंबाइन करा, आप इनकी यूनिकनेस देखना, इनकी स्मार्टनेस देखना, एक अच्छा आईक्यू लेवल यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये चाहती हैं कि काफ़ी जगह ट्रैवल करें और उस जगह जाके सोएं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये माउंटेन्स पे जाना चाहती है तो देखना चाहती है, फील करना चाहती है कि माउंटेन्स पे सो के कैसा फील होता है। अगर ये बीच घूम रही हैं तो बीच में सोना चाहती हैं जिससे इन्हें महसूस हो कि बीच पे सोने से कैसा फील होता है। तो देखा उन्होंने किस तरीके से ट्रैवल वाले पार्ट को और इस स्लीपिंग इंटर्नशिप का जो कॉन्सेप्ट है स्लीप सोना उसको कंबाइन कर दिया। क्या आपके अंदर ये क्वालिटी है, क्या आपका आईक्यू लेवल इतना है, क्या आप किसी भी पर्टिकुलर चीज को अपनी स्लीपिंग से कंबाइन कर सकते हो और उसके अंदर एक क्रिएटिवनेस और यूनिकनेस को ऐड ऑन कर सकते हो। अगर है तो डेफिनेटली आप इस इंटर्नशिप में सिलेक्ट हो सकते हो। पॉजिटिव अप्रोच के साथ आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। अप्लाई का URL लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप क्लिक करोगे, वेबसाइट पे विजिट करोगे और सारी इंफॉर्मेशन आप वहाँ पे देख सकते हो, साथ में अप्लाई भी कर सकते हो। अप्लाई बहुत सिंपल है, बेसिक है। इससे पहले मैं आपको एक इंटरव्यू और दिखा देता हूँ जो 2 से 2.5 मिनट का रहेगा। पूरा इंटरव्यू देखने के बाद आपको और डीपली क्लियर हो जाएगा कि आपको अपना आंसर क्या लिखना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई शुड बी चूज यूएसए स्लीप इंटर्न, हम आपको स्लीप इंटर्न चूज क्यों करें। तो सिंपल क्वेश्चन का सिंपल आंसर देना है पर एक क्रिएटिविटी के साथ। तो मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो पे हम देखते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जैसे मैं क्लिक करूंगा मैं अपनी वेबसाइट पे पहुंच जाऊंगा, आप वेबसाइट देख सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तब नीचे हम ड्रॉप डाउन पे आएंगे तो आप देखोगे यहाँ पे क्लिक हेयर लिखा हुआ है, जैसे आप क्लिक हेयर पे क्लिक करोगे आप ऑफिशियली वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। ऑफिशियली वेबसाइट पे मैं आपको इसलिए लेके गया हूँ क्योंकि यहाँ पे भी ये वीडियो है, यूट्यूब पे भी वीडियो है। अगर हम ऑफिशियली वेबसाइट पे आपको दिखाऊंगा तो आपको ट्रस्ट हो जाएगा कि इस टाइप की इंटर्नशिप रियल है और ये इंटर्नशिप भी रियल है। तो आप आराम से आप वीडियो देखिए, एंजॉय करिए, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अंकुर, यू आर फ्रॉम बिहार। बिहार, ओके। सो अंकुर, हाउ आर यू फीलिंग दिस मॉर्निंग? आर यू एक्साइटेड? यू सीम अ लिटिल नर्वस, बट ऑफकोर्स आई एम लिटिल बिट नर्वस, बट नर्वस इज नथिंग परमानेंट, बट आई एम लिटिल बिट एक्साइटेड। टेल मी, व्हाट मेड यू अप्लाई फॉर दिस होल स्लीप इंटर्नशिप? 100 डेज, दे आर गोना ट्रैक योर स्लीप इफ यू गेट, यू नो, इन आवर टॉप 15। व्हाट मेड यू गो फॉर इट? वेल, आई बॉर्न विद स्लीप. Before I opened my eyes, I was sleeping until and unless the doctor kicked me. That welcome to the circus, dude. You born, you mean? You were born and you were still sleeping? Still sleeping. Until and unless some external force carried me. Abhi urja, you are in the part of circus, come on. So I was like, oh, it's my breakup time. So I cried. That's what you're made for, like you're the poster boy for wakefield. Of course, sleep is my girlfriend. I have to pamper her. Sleep is your girlfriend? I've never heard that before. That's the first one. Oh, thank you. It's my unique one. I think you need to tell judges that for sure. Of course, definitely I'm gonna say I'm committed from day one to till now with sleep. Sometimes I broke up.
called and I have given the name of my relationship, Insomniac, when I broke up with her. But right now I'm over lazy, overslept sometimes, so I know how to pamper. I'm the best candidate. Hi, hello, hello sir, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हैं? एकदम मस्त. हमें लगा यहाँ पे आते हुए सो रहे होंगे. सर मैं सोया हुआ हूँ सर. अभी आप सोए हुए हो? हाँ सर. तुम्हारी सिर्फ आत्मा बोल रही है? नहीं, मेरी जवान बोल रही है. कोई तीन जगह बताइए जहाँ पे आप और बेड के अलावा जहाँ आप सोना पसंद करते हैं. गार्डन, दूसरा जिम और तीसरा सबसे अच्छा जगह सर, ट्राई कीजिएगा, बाथरूम. गाना सुनाओ नींद पे. नींद में? नींद में नहीं यार, नींद पे. सो गया ये जहाँ, सो गया मेरा आत्मा. मैं आसमा ही सोच रहा था, इसने जो आत्मा घुसेड़ा है ना बीच में, बहुत वाइफ जो है 25 साल से वो है स्लीप. अपनी वाइफ को सेटिस्फाई करता रहा है. ऑब्वियसली सर, आई बॉर्न विद स्लीप. कैसी दिखती है आपकी कल्पना में स्लीप? बताओ अगर कैसी दिखती हो. बालू पे क्यों गया? मेरा मजाक उड़ा रहे. अरे मेरा क्या, हम दोनों अपना मजाक उड़ा रहे. चलिए यार, थैंक यू सो मच. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. तो दोस्तों, जैसे आपने इस वीडियो के अंदर देखा कि किस तरीके से इस पर्सन ने, जो कि बिहार से बिलोंग करता है, कम्युनिकेशन लेवल इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, पर जो आईक्यू था, जो क्रिएटिविटी थी, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी. किस तरीके से इन्हें नींद, इन्होंने सोना, जो इनकी स्लीप होती है, उसको अपनी एक गर्लफ्रेंड बना लिया. बोला मैं रिलेशनशिप में हूँ और मैं हर टाइम सोता रहता हूँ अंटिल एंड अनलेस कोई मुझे ना जगाए. तो आप देख रहे हो क्या क्रिएटिविटी इन्होंने ऐड ऑन करी है. तो आपको भी ये सोचना पड़ेगा आप कैसी क्रिएटिविटी ऐड ऑन कर सकते हो. तो दोस्तों, आप वेबसाइट से डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जा सकते हो, उसको सेलेक्ट करके गूगल पे सर्च करके. नहीं तो आप देखोगे अप्लाई लिंक है. जैसे आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे, आप रजिस्टर यहाँ पे कर लो, अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है. आप सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन अपनी डाल सकते हो. आपका नेम हो गया, आपका कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, आपकी मेल आईडी हो गई. यहाँ पे जो मैं कॉन्टैक्ट नंबर डाल रहा हूँ वो फेक है, पर आपको अपना ओरिजिनल कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, क्योंकि बाद में ओटीपी का पार्ट रहता है. तो आपके पास अगर ओटीपी आएगा तो आप एक वेरीफाइड यूजर्स बन जाओगे. अगर आप लॉगिन करके यहाँ से अप्लाई करोगे, अगर यहाँ पे और कोई भी इंटर्नशिप आती है या और कोई भी जॉब्स आती है, तो उसकी अपडेट आपको मेल आईडी पे मिल जाएगी, जिससे आप कोई सी भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें. तो आपका जरूर फायदा रहेगा. आप देखोगे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे रीडायरेक्ट होगे. तो ये ऑफिशियली वेबसाइट है, यहाँ पे आपको अपनी इन्फॉर्मेशन भरनी है, जैसे मैं अपनी इन्फॉर्मेशन भर रहा हूँ. और जो ये नीचे क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर देना है, मेक श्योर जब आप इसका आंसर दे रहे हो ना, तो जो सभी पॉइंट्स मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताए हैं, जो पुराने सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के मैंने आपको कमेंट्स और इंटरव्यू दिखाए हैं, उन सभी चीज़ों को कंसिडर करते हुए एक अच्छी सी स्टोरी मेकिंग करके आप यहाँ पर आंसर करें. तो दोस्तों, अब मैं आपसे मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट जॉब के अपडेट के साथ. बाय बाय.